तैयार है हमारे गांधी जी का। बिग बॉस में किसको देखना चाहोगे हमारे घर में से? आपको। ऐसा क्यों? अपने आप को। ओ चीकू, ये किसने लिखा? मैंने। जा रही हूँ। दिमाग खा गई है। Happy birthday to you. नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। शाम के बज गए हैं 5 और हम अभी उठे हैं, जिम से आके थक गए थे काफ़ी, और चीकू मस्ती कर रहा है रुस्तम के साथ। हाँ जी, रुस्तम के साथ मस्ती हो रही है और दोनों मैडम हमारी वहाँ बैठी हुई हैं। तो रुस्तम थोड़ा सा शैतान हो गया, मस्ती कर रहा है। अभी दिखाता हूँ आपको। पायल देख, मेरे पम पम खा रहे। पायल नई ड्रेस पहनी आज। रुस्तम नो। पायल मना करना। नो रुस्तम। पायल समझाइयो। रुस्तम रुस्तम दिस इज नॉट दिया। क्या हो गया रुस्तम? बेटे रुस्तम इधर है, इधर आंटी इधर है। बेटे रुस्तम, पायल तेरे क्यों नहीं खा रहा? रुस्तम रुस्तम ये ले, मारूंगी ना। चढ़ गया कहां का पायल? और ले। ओ मैं तो मजाक कर रही थी। खा थोड़ी जाएगा गोलू। और ये ड्रेस नहीं पहनी आज। कोई बात नहीं, क्या हुआ फिर? रुस्तम बेटे, रुस्तम थोड़ा शैतान हो रहा है आजकल, तो अभी बाहर ले चलता हूँ आइसक्रीम खिलाने के लिए। क्या लिखा है दिखाओ? अपने आप को। ओ चीकू, ये किसने लिखा? मैंने। बेटा आपके अंदर इतना टैलेंट हो नहीं सकता। हाँ सही बताओ, किसने लिखा है? मैंने। रुस्तम बेटा किसने लिखा है? चीकू की स्पेलिंग सुनाना बेटू। जी चीकू की स्पेलिंग सुनाना। क्या? चीकू के स्पेलिंग सुनाना बेटा। सी एच एल एल एल। अच्छा क्या हुआ? सी हां वाह भाई वाह। डी क्या हुआ? एक सेकंड। हां सी हां डी ए बी सी सुनानी। ए बी सी सुनानी। के यू चीकू। अच्छा ठीक है, सबसे इजी स्पेलिंग पूछूंगी आज। ये गोलू के स्पेलिंग सुना दो। गोलू गोलू के स्पेलिंग जी ओ एल यू। पायल के सुनाना। ये आवाज कहाँ से आ रही थी फालतू की? बी पी ए पाई ए एल। तो चीकू थोड़ा सा निकम्मा है मेरी तरह, मतलब कोई भी स्पेलिंग नहीं। क्या बच्चा अभी वो यार। चीकू लग जाएगा बेटा, लग जाएगा तेरे को भी, लग जाएगा रुस्तम को भी। रुस्तम सुधर जा, सुधर जा, सांस चढ़ गया बेटा। इसको पानी पिला, पानी चीकू पानी पिला। भैया पानी दे। अच्छा देखो मैंने जूड़ा बनाया है अपने आप। नकली बालों का क्या जूड़ा होता है? असली बाल है। है भाई गोलू। इसके नकली बाल? इसके। अच्छा अच्छा गोलू को तो नहीं है ना? गुड्डू असली बाल है यार। अच्छा असली है, थोड़े से नीचे नीचे से नकली है, ऊपर से असली है मेरे पूरे। हां तो गोलू के साथ एक मिस हैपनिंग हो गई है। क्या हुआ बच्चे? चाकू से वाटरमेलन काट रही थी, चाकू अंदर रह गया, हाथ नहीं आ गया। ये दो तीन बार जोड़ा हुआ हमने चाकू ना। अच्छा तो हमारी किचन आज थोड़ी ज्यादा साफ सुथरी लग रही है, वो इस वजह से क्योंकि जो हमारी मेड थी हमने उसको छुट्टी दे दी है। तो आपकी जो दो धर्म पत्नियां हैं और थोड़ी सी किचन साफ है और ऐसे ही चमकती रहेगी आगे आगे, क्योंकि अब क्योंकि वो बहुत डर्टी काम करती थी। डर्टी मतलब कि हर जगह गंद रहता था, और जैसे अगर हम किचन करे बना रहे हैं करे खा दो। मैंने बनाया ये। अरे बड़ो गोलू चमका दिया आज तो करेले पर, मैं खा नहीं सकता। आपके लिए वो दिखा दो, आपके लिए तो ये बनाया ना सैलेड और एग। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चे, शाबाश मेरे। अरे हमारी सूजी क्या कर रही है? सूजी यार ये ना पता क्या हुआ था, लास्ट टाइम पानी निकाल रही थी तो इसको ना मैंने छन्नी में रखा। पानी निकाल के छन्नी छन्नी में से कूद गई, कूद के फर्श पे ऐसे, फिर टिश्यू से उठा के फिर डाली। डर लगता है। तो गोलू अभी वाटरमेलन काट रही है और खाना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, और जो पानी के इनटेक को पूरा करता है वाटरमेलन। तो मैंने अभी शुरू की है थोड़ी सी मज़ेदार डाइटिंग, तो मैं दिन में 2 से 3 बार ज़रूर खाऊंगा। आप लोग भी यानी कि तरबूज खा सकते हैं। चीकू की बेस्ट फ्रेंड आई है घर पे चीकू को बुलाने। अच्छा चीकू को ना सिर्फ एक ही बच्चे का नाम याद है। चीकू क्या नाम है इनका? चीकू का नाम अवन्या। अवन्या अनन्या। तो चीकू ये बेस्ट फ्रेंड है, चीकू से मिलने आती है और चीकू को बुलाने आई है कि नीचे खेलने चलते हैं। क्या ये डांस कर रहे हो? खुश हो रहा है वो। और आप खाओ बेटा। अनन्या आप किस लिए बुलाने आए हो चीकू को? अनन्या आपसे पूछ रहे हैं आप किस लिए आए हो चीकू को बुलाने? थोड़ा जोर से बोलो आप। जोर से बोलो थोड़ा। मैं चीकू को नीचे बुलाने के लिए। बुलाने के लिए? तो क्या खेलोगे आप वहाँ पे? वो
पकड़म पकड़ाई। तो आप मुझे भी याद कर रहे थे? कब आई थी वो परसों घर पे ना चिंग? हाँ। और गोलू को भी याद करती थी। कृतिका मैम ये देख, कृतिका मैम क्या कह रही थी? अच्छा मुझसे बहुत सवाल जवाब कर रही थी। आप दोनों बहनें हो? मैं हाँ बहन। अच्छा हाँ। आपकी शादी कब हुई थी? कौन से सन में हुई थी? मुझे देखो से आप ये सब पूछते हो? चीकू चलो जा रहे हो फिर? जा रहे हो क्या? हाँ। बुलाने आए थे, जाओ फिर। ये थोड़ी लेके जाओगे? मेरा को टैब लेके जाओ? बिल्कुल नहीं जाना चीकू लेके। ये रख दो चीकू, छुपा के खाती है। नहीं साथ चला जाए। क्या पूछ रही थी? आंटी आप कितिका मैम सिस्टर हो? मैंने कहा आपकी शादी कब हुई थी और कौन से सन में हुई थी, और उनकी शादी कब हुई थी कौन से सन में हुई थी, और मानसर का है कितिका मैम कब आएंगी? दो दिन आइए रेगुलर यहाँ पे। तो आज के जो बच्चे हैं ना वो मतलब कि एडवांस है, बहुत एडवांस है। और आज के किसने, क्या नाम है उनका? चाचू ने। चलो कोई बात नहीं, अब जाओ फटाफट जाओ। तो आज के बच्चों को भैया आप पागल नहीं बना सकते। ठीक है चीकू, अवन्या का घर आपको ही पता है क्या? हां जी। कहां पर है? इसको अपना घर नहीं पता, अवन्या का क्या बताओ। तो कितनी देर में आओगे? कितनी देर में आओगे? 5 मिनट। हैं 5 मिनट? कब होते हैं 5 मिनट पता भी है क्या? तो गाइज आपको पता ही है ये आज गांधी जयंती है, तो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से सभी को गांधी जयंती मुबारक। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत गांधी जयंती मुबारक हो, और खुश रहें, आबाद रहें और मजे लेते रहें। आप अंदर आ जाओ बच्चे, बेटा अंदर आओ, अवन्या अंदर आओ, आप बैठ जाओ वहाँ पे। क्या लोगे बताओ? जूस लेना बेटा। जूस, चॉकलेट, फ्रूट्स? ओहो चीकू की बेस्ट फ्रेंड। पापा जब मैं अंदर आ रहा था ना वो रुक गया। अच्छा नन्या हाउ ओल्ड आर यू? 6। अच्छा यू आर 6 इयर्स ओल्ड? अंदर आओ बेटा, आप इससे बड़े हो। अच्छा ये इससे डर रही है। चल दोस्तों हाइट देख, हाइट देख रहे हैं। वापस ले चल रहा हूं अपने घर। अभी आप यहां बैठो, आप अन्य आपको मैं छोड़ के आऊं जी? दादू तो नीचे हैं। आपके दादू नीचे हैं? ओके चलो जी को फिर बाय करो। पापा भी खेलने जाएंगे। खेलने जाना है? खेलते बाय बाय। डीटा का एग्जाम से देखिए बड़े गुड गाना कितना अच्छा रहा है। हां अच्छा लग रहा है। इसमें कलर भी देखना, कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। यार मुझे ना टॉप नहीं आया वाइट वाला, मोटी टॉप क्या है ना। सही बोल रही है। नो यार जा भैया बीट बना रहे, जा कॉफी बना लेना। बता रही ना छोड़ दे, अच्छा थोड़ी लगता है बोलू अपने घर पे आके कोई और बना रहा है। जा अब बना रहे हैं, मैं क्या बोलूँ बीच में, भैया मुझे दे दो। तो दूध तो गर्म कर लेना, दूध गर्म कर लेना। अब भी बैठी हूँ 2 मिनट पहले यार। मैंने कॉफी की बीट मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई गोलू फ्रिज में। पहले एक बात बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या मुझसे? अच्छा नहीं लग रहा ना वो बना रहे यार। नहीं मुझसे प्रॉब्लम है, नॉर्मल बात करी, सिर्फ नॉर्मल बता दे। मैं भी नॉर्मली बोल रही हूँ, जहाँ दूध गर्म कर ले, वो कॉफी बीट कर रहे तो दूध गर्म कर ले। जा इतनी से काम में कुछ जान थोड़ी निकली है। जा 5 मिनट पहले बैठी हूँ, दिमाग मत खा मेरा, जा जाओ चली जाऊंगी। जा रही हूँ। दिमाग खा गई है, मोटी देखे नहीं हो रही है, पेट देखो उसका। मेरे को मत बोलना खुद का पेट नहीं देखा। एक सेकंड रुकना, खड़े खड़ी हो जा, आज तो खड़ी हो जा। बोलो देखो आ देखो रिमोट लेके भाग गया। रोटी रोटी कह रही हूँ, क्या नाम है इसका रुस्तम? सुन सुन खड़ी हुई तो कॉफी का दूध गर्म कर। खड़ी हो जा, चल खड़ी हो यार। पाल प्लीज ना गोलू, मैं यार मेरे को परेशान मत कर यार। यार अब भी बैठी हूँ 5 मिनट पहले। भैया पौना घंटा हो गया ना इसे बैठे बैठे यहाँ पे, पौना घंटा तो हो गया होगा। चलो एक बात बताओ गाइस, जितने लोग देख पा रहे हैं दोनों निकम्मों को, तो इनमें से आप बिग बॉस में किसको देखना पसंद करोगे, और कौन आपको ज्यादा लगता है कि हक के लिए लड़ाई लड़ेगा? पायल? हाँ जी ये देखो, या फिर गोलू? गोलू तो आलसी है, गोलू तो 2 दिन में निकल जाएगा, लड़ पाएगी? जितने भी हमारे फैंस है ना जो भी मुझसे प्यार करता है, तो आप इतनी वोटिंग करो, इतनी वोटिंग करो मेरे नाम की, इतनी वोटिंग करो कि अगली बार बिग बॉस में मैं आऊँ।
और मैं बिग बॉस में ऐसा धमाल मचाऊंगी, ऐसा धमाल मचाऊंगी, अब तक नहीं बताया होगा। और एक और चीज है पायल में कि कोई इससे फालतू नहीं बोल सकता कि कोई फालतू बोले और पायल सुन ले, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई फालतू बोलेगा तो 10 बातें सुनकर जाएगा। अच्छा, मतलब मैं फिर भी मुझे सुना के कोई चला जाएगा, नहीं, मैं चुप रहूंगी, मतलब पायल नहीं रहेगी। ये तो है, मैं वोट करूंगी भाई। चलो कमेंट करके बताना, लगता है कि पायल इंटरेस्टिंग कर सकती है बिग बॉस को? देखो पहला वोट यार इसको क्या है रुस्तम को देखना। देखो मैं से तो बहस होते नहीं है, मैं तो चुप रहता हूं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये बहुत बहस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये फुल बहस कर सकते हैं, अगर ये गए तो फुल ऑन बहस करेंगे, और अगर कोई गलत बोलेगा तो सुनेगा भी इनसे, तो ये भी चुप नहीं रहेंगे ना। पायल ऐसी है, मतलब पायल भी ऐसी है, ये भी ऐसी है। तो इसका हम ना एक काम करते हैं, इसकी वोटिंग करवा लेते हैं पहले हार्डी से। हार्डी भाई, बिग बॉस में किसको देखना चाहोगे हमारे घर में से? आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पर्सनैलिटी है, जैसे एक होता ना कि आईक्यू लेवल अच्छा है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे से वहाँ पे बड़े इजीली सर्वाइव कर जाओगे। मैं ये बोलूंगी कि अगर आप वहाँ पे गए तो अपना स्टैंड ले सकते हो, मतलब कि एक बंदा वहाँ पे ऐसा चाहिए जो अपना स्टैंड ले सके, सारे गेम्स खेल सके, मेंटली फिजिकल, तो मेंटली भी आप अच्छी हो, फिजिकली भी आप अच्छी हो, और आप अपना स्टैंड ले सकते हो, और जी कोई अगर आपको फालतू बोले तो आप सुना सकते हो। मैं भी कर सकती हूँ। तो हाड़ी भाई बताएंगे, पूरा खुल के बताएं। देखो मेरी तरफ से ये है कि जैसे एक वहाँ पे दो तरीके से गेम खेलते हैं लोग, एक इंडिविजुअल खेलते हैं और एक टीम बना के। तो आपको टीम की जरूरत नहीं है, आप इंडिविजुअल भी खेल जाओगे, ठीक है? टीम की जरूरत होती है, लेकिन लास्ट टाइम जो बिग बॉस हुआ था एक बार 13, उसके अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिविजुअल गेम खेल रहे थे और वही काफी एंड लेवल तक सक्सेस हुए हैं उसमें। तो वो चीज, उसके लिए एक आईक्यू लेवल चाहिए, उसके लिए एक अंदर से बंदा खुद ही, कहते हैं ना, प्रोएक्टिव चाहिए। तो वो चीज सर के अंदर है, वो मुझे पता है। तो बाकी जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं आप भी कमेंट करके थोड़ा बता देना। अच्छा, कोई कमेंट में ये बोल रहा था कि आप ना मिक्सी में बीट कर लिया करो। हाँ, किया तो था ना। मिक्सी में ट्राई किया था तो वो बीट नहीं बना था वो तो। तो गाइस, लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे याद रहता है, अपनी बीवी का रहता है, और हर किसी का रहता है, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। पर अभी जो हम बर्थडे केक कट करेंगे, आप खुद देख लो वो किन का बताना। हैप्पी गांधी जयंती जी। तो भैया हम गांधी जी का आज केक काटेंगे जी, और मैं चाहता हूँ कि हर साल आप लोग भी अगर ये एंजॉय करें तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो मज़ेदार सी कॉफ़ी बनाई है गोलू ने, तो बेटे आशीर्वाद आपको। भैया ने बीट करी है और दूध मैंने डाला है बस। तो भाई साहब कॉफ़ी का एक्सपीरियंस होल्ड रही है, और अब हमारे घर में इतनी गंदी आदत हो गई है कि बिना कॉफ़ी के हम सोते नहीं। तो जब भी कॉफ़ी खत्म, बीट खत्म होती है, मैं पहले से बना के रख देती हूँ फ्रिज में। तो हमारा जो चीकू है बहुत निकम्मा हो गया है, और आजकल इसने फ़ोन छोड़ दिया है और इसके पीछे लग गया है टैब के पीछे। और जो टैब है ये हमारे हार्डी भाई का है, ये थोड़ी सी उसके अंदर डायलॉग स्क्रिप्ट वगैरह लिख रहे वेब सीरीज़ की, तो ये दे नहीं रहा सुबह से उसको। चीकू दोगे या नहीं दोगे बताओ? चीकू आपसे बात कर रहा हूँ मैं, देना या नहीं देना ये बताओ। नहीं, पक्का सोच के बोलो। नहीं दोगे? तो गाइस मुझे लग रहा है कि मुझे टैब लेना पड़ेगा चीकू के लिए। तो गाइस इसी के साथ हम गांधी जी का केक कट करेंगे, तो आप लोग भी बने रहे हमारे साथ। तो गाइस केक तैयार है हमारे गांधी जी का, तो सब लोग भी रेडी हैं और आप लोग भी देख रहे हैं, तो पूरा भारत देख रहा है आज हम गांधी जयंती बना रहे हैं। तो वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो गांधी जी का केक काटेंगे हमारे सबसे छोटे प्यारे से चीकू। चलिए काटिए, दूसरी ले ली। क्या हुआ? एक रह गई। चलिए आ जाइए भैया, आ जाइए। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया चीकू, आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे गांधी जी, हैप्पी बर्थडे डियर गांधी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे। तो गाइस बच्चों में भगवान का रूप होता है, तो गांधी जी के नाम का हम पहले सबसे पहले चीकू को खिलाएंगे। चीकू ने अपने आप भी खा लिया गांधी जी है ना, हाँ। आप खा सकते हैं। तो सभी को गांधी जयंती मुबारक हो, आप खुश रहें, आबाद रहें, एक स्वतंत्र भारत सेनानी हैं आप सब लोग। नमस्कार। तो गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो नमस्कार, बाय बाय, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, और अल्लाह हाफिज़।